विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवनधाम अल्मोड़ा विद्यालय द्वारा एक संस्कार केंद्र चलाया जाता है, जिसमें बेकार की वस्तुओं का सदुपयोग करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बेकार की वस्तुएं जैसे बेकार पड़ी सीडी, कैसेट से शीशे का फ्रेम तैयार करवाया जाता है, बेकार एवं फ्यूज बल्ब से गुलदस्ता भी बनवाया जाता है, पुराने अखबार, पुरानी चार्ट पेपर द्वारा गुलदस्ते, फूलदान एवं सजावट की सभी सामग्रियां बनाई जा रही हैं, पुराने ऊन रुई एवं धागे के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जैसे मोजे, थालपोस, खिलौने, मफलर आदि सभी बनवाए जाते हैं, पुराने कपड़े के द्वारा पायदान, बैग, पर्स आदि सभी वस्तुएं तैयार कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा बंधनवार, गेहूं की भूसी, नल, धान की पुआल एवं चीड़ की पत्तियों द्वारा सुंदर सुंदर टोकरियां भी बनवाई जाती हैं, गुलदस्ते, हस्त पंखे एवं मुखौटे आदि सभी इन्हीं वस्तुओं से बनवाया जा रहा है। संस्कार केंद्र में सीखने हेतु नगर की छोटी बड़ी सभी बहनों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाता है। वर्तमान में बहनों की संख्या 68 है।
बॉक्स बना रखे हैं जो कि हमारे घर पे जो वेस्ट मटेरियल के तौर पे तागे पड़े होते हैं और जो हमारी मम्मी लोगों के पास जो स्वेटर बुनने वाली जो सीखें होती हैं उनसे मैंने उनका इस्तेमाल करके जो हमारे पास वेस्ट ऊन होता है उन दोनों का मिक्सअप करके एक अपने के लिए घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे सॉक्स बनाए हैं और इसका इस्तेमाल हम जाड़ों के दिनों में करते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सॉक्स अपने द्वारा बनाए। और ये कढ़ाई ये भी सिखाया जाता है आपको? ये संस्कार केंद्र में मैंने खुलिया मैम से सीखा था जब हम पहले सिक्स में आए थे। मैं सिक्स से संस्कार केंद्र सीख के आई हूँ। जो ये मैम ने पहले हमसे एक कपड़ा लेने को कहा और उसमें जो तुरपन और कच्चा करते हैं उसके बाद हमें मैम पेंसिल से इसमें हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हमें जो तागे होते हैं उससे ड्राइंग सिखाई जाती है जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो ये सारे आपने ही बनाए हैं? यस। सब कुछ सारी कढ़ाई आपने की है? यस। और ये भी आपने ही बनाया? मैम स्टार्टिंग में मैम ने ये थालपोस है स्टार्टिंग में से बनाने में मैम ने मेरी बहुत हेल्प करी और उसके बाद धीरे धीरे करके मैम ये पूरा तैयार हो गया। ये क्या है? ये पाउच है जिसके अंदर हम पेन रख सकते हैं अपनी। ये वेस्ट मटेरियल के तौर पे हम मैंने इसे बनाया है। जो हमारे घर पे पुरानी जीन्स होती हैं उसको मैंने कटिंग करके उसका एक मैम ने हमें स्कूल में सिखाया पाउच कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और उसके द्वारा हमने एक पाउच बनाया। सिर्फ हमें इसमें एक चेन चाहिए जो कि मुझे घर में जो हमारे पुराने टी शर्ट वगैरह होते हैं उसमें से मेरे को ये चैन मिल गई थी और जिस वजह से मैंने ये पाउच तैयार करा। और क्या क्या सिखाया जाता है आपको? संस्कार केंद्र में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे कि फ्लावर पॉट बनाना, थाल पोज और नीचे बैठने वाले हम जो आसन होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं और जो मेज पोट होते हैं और जो मैक्रम होता है उसके द्वारा हमें एक फ्लावर पॉट बनाना सिखाया जाता है या फिर जो शीशे का स्टैंड होता है वो भी मैक्रम द्वारा हमें मैम सिखाती है। जैसे पेड़ की टोकरी वगैरह बनाना भी हमें मैम सिखाती है और फोटो फ्रेम और ये सारी चीज़ें और क्राफ्ट सब मैम हमें संस्कार केंद्र में सिखाती है। कितना पैसा लगता है आप लोगों का? कुछ पैसा भी लगता है क्या इसमें? नो मैम आज तक तो नहीं लगा क्योंकि ये जो मैम हमें बताती है वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल का काम है। कैसा लगता है फिर आपको संस्कार केंद्र में आके? मैम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी क्लास में जाऊँ फिर भी संस्कार केंद्र ज्वाइन करूँ क्योंकि मैम हमें इतना अच्छा सिखाती है और जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होती है की चीज़ें होती है उससे मैम हमें बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाना सिखाती है और जिससे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इतना सब कुछ अच्छा कर ले रहे हैं करके पढ़ाई के साथ साथ। मैम आप ये क्या बना रही हो? कैसे बनाया आपने? मैम हमने सबसे पहले हमारे सब्जी हमने इनको धोया और फिर इनको काटा अच्छे से और फिर मैंने एक जीन जो हमें मतलब ख़राब हो गई थी तो उन्हें आयर क्या रहता था काटा और फिर उसे उनमें जीन बैग को इस तरह का अंदर का काटा और फिर उसने ऐसे सिला और ये हमारे लिए बैग ये आपके लिए प्रेरणा है। कैसा लग रहा है आपको संस्कार के नमक कैसे? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारी चीज़ें क्या क्या सीखी हैं? बहुत सारी चीज़ें मैम एक हार जो सीखा था। अच्छा ये आपने बनाया? और मैं और भी चीज़ें सीखी। यस बैठ सर। इसमें जो अखबार होते हैं इनको काट के बराबर साइज में काट के लगाते हैं और मैं फिर कोई भी फोटो चिपका सकती हूँ। क्या बनाया आप लोगों ने? मैं जो हमारे बेंच पे चूड़ियाँ होती है जो बची होती है और उनमें हमने पहले उनको चिपकाया फिर उनके बाद से इसके बाद से ऊन लपेट दिया। मैम हमने इसमें मैम जो वेस्ट चूड़िया होती है और मैम उसमें ऊन बांध कर इनको दो चीज़ों से काम कर सकते हैं। मैम या फिर हम उसको ऊन से ही इसमें कुछ चिपका कर मैम इसको पहन सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे ही मैम ऊपर को बना बना कर हम फ्लावर पॉट या पेन रखने वाला रख सकते हैं। कुलशा और कढ़ाई और फ्लावर और हाथ।
कैसा लग रहा है आपको संस्कार केंद्र में आके? आप लोग कोई प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे नाच गाना है, कुछ है, अन्य चीजें ऐसा भी करते हैं? मैम इसका हम ऊपर टांग देते हैं। ऊपर टांग देती हूँ? यस मैम। बहुत अच्छा। अच्छा ये क्या चीज है? मैम यह एक पुष्प है जो मैं टिश्यू पेपर द्वारा बनाया जाता है। मैम यह जिसमें तार का उपयोग किया जाता है, तार और पेपर का, जिसमें टिश्यू पेपर को फोल्ड करके और तार को इससे ज्वाइन करके पेपर को फोल्ड करके इनको चिपकाया जाता है। अच्छा ठीक। अच्छा तो ये क्या चीज है? मैम यह एक वॉल हैंगर है जो दीवार में टांगा जाता है। ये खराब सीढ़ियों तथा पेपरों के द्वारा बनाया जाता है और मैम जो खराब मोतियां होती हैं उनको उनके द्वारा भी बनाया जाता है। इसमें सीढ़ी को बराबर हिस्सों में काट के और पेपर को बराबर हिस्सों में फोल्ड करके भी बनाया जाता है। और ये क्या चीज? मैम यह एक शोपीस है जो प्लास्टिक के द्वारा तथा तागों के द्वारा और घंटियों के द्वारा बनाया जाता है और मैम इसमें सिलाई का भी उपयोग किया गया है। और ये क्या है? मैम यह एक पेंटिंग है जो एक सलीम के कपड़े में एक कलाकार या फिर एक कलाकारी करके इसमें एक कोई भी चित्र बना करके इसे सजाया गया है। मैम ये क्या बना हुआ है? मैम ये बास्केट। ये कैसे बनाया है आपने? मैम जैसे कि कोई क्राफ्ट पेपर होता है, मैम इसे काट के उसके बाद इसे बनाया गया। मैम जो आप ये बीच में नहीं देख रहे, मैम ये जैसे कि कोई कॉपी किताब के हमारे बीच के जो पट्टे होते हैं, हम तो वैसे कबाड़ में बेच देते हैं, तो भी मैम उसका वेस्ट मटेरियल का भी चीज का प्रयोग करके भी हम इसे ऐसी चीजें बना सकते हैं। ये मैम इसको मैच स्टिक से बनाया गया है तथा ऊनो द्वारा इसे सजाया गया है। जो ये आप देख रहे हैं पोर्टल के द्वारा बनाया गया है तथा इसको ग्लू से चिपका दिया गया है। ये क्या है? सिखाते हैं आपको संस्कार मैम। ये एक मफलर है मैम, इसे ठंडियों में ओढ़ सकते हैं, इससे हम ठंडी से बच सकते हैं। इन्हें काले रंग के और गुलाबी रंग के ऊन से बनाया गया है। और ये क्या है मैम? मैम ये फ्लावर पॉट है, इसके अंदर से एक बल्ब लगाया गया है और ये ऊन से बना है। बेकार ऊन होती हो तो इसमें लगाते हैं। तो ये कैसे अटका, इसको कैसे अटकाया आपने? मैम नीचे से इसे बांट दिया है। कटोरी लगाई है इसको। सबसे पहले इसमें कच्चा फिरूल लेते हैं और इसमें सुइया तारी का प्रयोग होता है, ये सजाने के काम आता है। ये क्या बनाया है? मैम ये फटे, मैम जो पुरानी टोकरियाँ नहीं होती मैम उनको तीन हिस्सों में बराबर काट के चुटिया गूंथ के बनाया जाता है। मैम उनको आधा बनाया था, पूरा करना आधा बना। ये क्या है मैम? ये क्या बना हुआ है? मैम ये फ्लावर टाइप का है। मैम जब हम संस्कार केंद्र में आए तो मैम हमने देखा कि मैम बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हैं, तो मैम हमने मैम से पूछा कि मैम कुछ हम स्क्रैप बुक ला के कुछ अच्छी चीज़ बता सकते हैं, बना सकते हैं, तो मैम ने बोला कि हाँ लाना मैं सिखा दूँगी, जब करोगे तभी सीखोगे। तो मैम ये संस्कार केंद्र में हमने मैम ने सिखाया। ये क्या है? मैम ये खरगोश है। मैम ये जो ऊन है ये हमारे घर में वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैम हमने मैम से पूछा कि मैम हम इससे कुछ बना सकते हैं, तो मैम हमें मैम ने एक एक लाइन करके बताया। एक एक लाइन बैठी। ये भी ये क्या है मैम? मैम ये बैठने के लिए होता है। मैम पहले अच्छा। जो सब्जियों के झूले बैग होते हैं मैम, हमने उसे उन्हें अच्छे से धोया और फिर उन्हें आलू के आटा काटा और फिर एक खराब जींस की हमने चली थी, फिर हमें आगे उसे आटा काटा और उन्हें जो झूले बैग काटे थे फिर हमने उसमें सीला दिया और फिर ये मैंने खाए। ये भी आपने बनाया? मैम ये क्या चीज़ है?
मैम ये पिरून से बनाया गया है और इसमें वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है। मैम इसमें हमने ये पुराने ऊनों का इस्तेमाल किया है जो हमें नहीं चाहिए थे और ये पिरून से बनाया है। मैम इसमें इसमें हमें पहले पहले तो हमारे पहनने का मन नहीं करा था, फिर हमने बाद में हमने बहुत दिनों में इसे बनाया है। और मैम हम इसमें कोई भी सामान जैसे कि हमें फल फूल कुछ भी अपना जो हमारे काम आने की चीज़ होती है उसे रख सकते हैं और ये हमें संस्कार के अंदर सिखाया गया है। ये क्या है? रुई का बनाया। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है? ये वॉल हैंगर है और इसे क्राफ्ट्स बनाए गए हैं। और मैम जो मतलब ये पीछे से एक गत्ता काट के उसमें उसमें पेपर को चिपका के उसे बनाया गया है। और इसमें हमने क्राफ्ट पेपर और धागे का प्रयोग किया। ये सब सिखाया जाता है आपको संस्कार? यस मैम। ये भी सब सिखाया जाता है? यस So that I can be like that, don't be like that.